कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, यानी जिसने यूपी जीत लिया वो दिल्ली में बैठकर सरकार चलाएगा। बीजेपी पिछले दो लोकसभा चुनावों में इस बात को साबित कर चुकी है, लेकिन अब लड़ाई 2024 में होने वाले आम चुनाव की है। उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। पिछले कुछ दिनों से भाजपा और आरएलडी के गठबंधन की चर्चा थी, लेकिन जयंत चौधरी ने बेंगलुरु जाकर विपक्षी बैठक में हिस्सा लेकर इन अटकलों पर विराम लगा दिया। अब बीजेपी को आरएलडी की तुलना बहुजन समाज पार्टी ज्यादा मुफीद नजर आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसपी और बीजेपी के बीच कुछ पक रहा है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोनों दल साथ आ सकते हैं और लोकसभा चुनाव में गठबंधन हो सकता है। दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को साथ लाकर पूर्वी यूपी में बीजेपी ने बड़ा दाव चला है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। पूर्वांचल के बाद दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। जाटलैंड के साथ मुस्लिम वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर है। पिछले लोकसभा चुनाव में बहन जी की पार्टी के 10 सांसद जीते थे। ऐसे में बीजेपी को अगर बीएसपी का साथ मिल गया तो सपा और रालोद का सफाया हो सकता है। दरअसल बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगाने की रणनीति बना रही है। बीएसपी से गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का भी खेल बिगड़ जाएगा। खबरें हैं कि बीएसपी के साथ सीटों का तालमेल भी भाजपा ने तय कर लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी को उसकी जीते हुए सीटें देने पर पार्टी नेता सहमत हैं। हालांकि बीजेपी और बीएसपी दोनों की तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन हो जाएगा। आपको बता दें, साल 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती की पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सुनामी चली और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट कर रह गई, लेकिन बसपा की हालत बुरी हो गई। उसे 2017 में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुआ ने टीपू के साथ हाथ मिलाया और 2014 में एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद यह सियासी गठबंधन भी टूट गया। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। मायावती की पार्टी का सिर्फ एक ही विधायक जीत सका और उत्तर प्रदेश से उसका पूरे तरह सफाया हो गया। बीएसपी को डर है कि उसका दलित वोट बैंक लगातार खिसक रहा है। ऐसे में बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना उसके लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। सियासी जानकारों की माने तो मायावती पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता के खिलाफ खुलकर कोई भी बयानबाजी नहीं कर रही हैं, और 26 विपक्षी दलों के गठबंधन से भी वो दूर हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अखिलेश और जयंत चौधरी से टक्कर लेने के लिए बीएसपी बीजेपी साथ आ सकते हैं। मायावती के लिए टेंशन की बात यह भी है कि पिछले चुनाव में सपा के मुकाबले बीएसपी को मुसलमानों का वोट नहीं मिला था। ऐसे में अगर वो इस बार लोकसभा चुनाव में अकेले उतरती हैं तो विधानसभा और निकाय चुनाव जैसा हाल हो सकता है। ऐसे में बहन जी आगे के सियासी भविष्य और मुश्किलों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर गठबंधन का पासा फेंका गया तो उस पर राजी हो सकती है।